इन दिनों देश भर में कोरोना के तमाम मामले सामने आ रहे हैं। विशेषज्ञों की माने तो एक साल बाद संक्रमण दर ने इतनी तेजी पकड़ी है। वहीं अगर पीलीभीत की बात की जाए तो पीलीभीत में कोरोना के अधिकांश मामले ऐसे हैं जिनमें प्राथमिक तौर पर मरीज खांसी जुकाम की समस्या लेकर जिला अस्पताल की ओपीडी में आए थे। आशंका लगने पर जब डॉक्टरों ने उनका कोविड टेस्ट कराया तो वे कोविड पॉजिटिव निकले। ऐसे में बदलते मौसम के बीच कोरोना के दस्तक देने का खतरा और ज़्यादा बढ़ गया है। ऐसे में किन बातों का रखना है ख्याल, इस पर जानिए एक्सपर्ट की राय न्यूज 18 लोकल की इस खास रिपोर्ट में। सर, देखा जा रहा है देश भर में तमाम कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, पीलीभीत में भी जिला अस्पताल में ओपीडी में भारी मरीजों की संख्या रहती है, तो इसमें सर्दी जुकाम के मरीज अधिकांशता देखे जाते हैं, तो क्या कोविड के भी कुछ इसमें मरीज आ रहे हैं? ऐसा है कि अभी पिछले कुछ समय से 10-15 दिन से एकदम मौसम का कभी गर्म कभी ठंडा हो रहा है। इस बदलते मौसम में सर्दी जुकाम और जो इन्फ्लुएंजा, जो सीजनल इन्फ्लुएंजा है, वो ज़्यादा हो रहा, बुखार लोगों को ज़्यादा था, वायरल फीवर हो रहा। अब जितने भी हमारे लंबी खांसी जुकाम के मरीज हैं जो ठीक नहीं हो रहे, जो संदेहास्पद है, उनके हम टेस्ट करा रहे हैं और उन्हीं टेस्टों की सीरीज में हम नॉर्मल टेस्ट के साथ साथ कोविड 19 का एंटीजन भी करा रहे हैं। यदा कदा कुछ मरीज आ रहे हैं, हफ्ते में एक दो मरीज जो है कोविड पॉजिटिव भी एंटीजन आ रहे हैं और उनको हम लोग आइसोलेशन की, होम आइसोलेशन की सलाह दे करके, उपचार दे करके अन्य लोगों को बचाने की सलाह देते हैं कि मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और हाथ धोएं। इन दिनों देश भर में कोरोना के तमाम मामले सामने आ रहे हैं। विशेषज्ञों की माने तो एक साल बाद संक्रमण दर ने इतनी तेजी पकड़ी है। वहीं अगर पीलीभीत की बात की जाए तो पीलीभीत में कोरोना के अधिकांश मामले